हेलो हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम इनको हाईवे पे ड्राइविंग करा रहे हैं और आज इनको हम बताएंगे कि हाईवे पे ड्राइविंग कैसे की जाती है और किस लेन में आपको चलना चाहिए। तो इनको आज हम सारी जानकारी देंगे हाईवे पे कैसे ड्राइविंग की जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और आप लोगों को भी जानकारी होगी। और जो है अभी हम लोग हाईवे पे ही हैं, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, अब हम इनको कार के अंदर लेके चल रहे हैं और अब हम लोग हाईवे पे ड्राइविंग करने चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखें पूरा और इसमें आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि हाईवे पे हमको ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये समय हाईवे पे हैं हम लोग और अब ये जो है चल रहे हैं कार के अंदर। तो अब आप चलिए कार के अंदर करना है, सीट को एडजस्ट करते हैं, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, सीट बेल्ट पहनना है और रियर भी मिरर, साइड मिरर, ये सब आपको सेट रखना है, ठीक है। तो जब भी हाईवे पे ड्राइविंग करेंगे तो राइट वाला मिरर अपनी तरफ सही से कि जो साइड में जाए वो आपको दिखे, और ये रियर भी मिरर आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर ये साइड मिरर करना है लेफ्ट साइड का, है ना। अब आपको कार को स्टार्ट करना है, कार स्टार्ट करिए, क्लच दबाइए पूरा, कार को स्टार्ट, स्टार्ट, कार स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब हमने कार यहाँ से बढ़ाने से पहले पहले हमको राइट वाले शीशे में देखना है, उसके बाद आपको इंडिकेटर देना है, इंडिकेटर दिए, अब राइट वाला मिरर देख के आराम से यहाँ से कार को निकालिए। हाँ, हैंड ब्रेक डाउन करके वन गियर लगाए, अब धीरे धीरे क्लच को ऊपर लेके आइए हाफ तक, जहाँ से कार हल्की सी मूव करे, है ना। बट अब धीरे धीरे चलना दीजिए, हाँ, साइड मिरर देखते रहिए। और अब जो है हमारी कार की स्पीड बढ़ी, है ना। तो आप क्लच दबा के गियर सेकंड डालिए, हाँ, लेफ्ट नीचे, ठीक। अब फिर उठाइए पैर ऊपर, हाँ, फिर बढ़ाइए एक्सीलेटर, हाँ, और स्पीड दीजिए, और स्पीड, और स्पीड, ठीक। अब फिर एक्सीलेटर से पैर हटाइए, क्लच दबाइए पूरा, थर्ड गियर डालिए सीधा ऊपर, गुड। अब फिर उठाइए पैर ऊपर, हाँ, चलिए और दीजिए स्पीड, और स्पीड, और स्पीड, ठीक। अब फिर क्लच दबाइए पूरा, फोर्थ गियर डालो, हाँ, फिर उठाइए पैर ऊपर, ठीक। तो कभी भी हमें कार को, अगर आपको एक लेन में चलना है, ठीक, बार बार ओवरटेक नहीं करना है, तो हमें लेफ्ट लेन में चलना होता है, ठीक है। अगर आपको कार को स्पीड में चलानी है तो हम चलते हैं राइट लेन में, ठीक। अब फिर स्पीड से पैर हटाइए, क्लच दबाइए, फिफ्थ गियर डालिए राइट आगे, ठीक। अभी ये कार आपकी किस गियर में चल रही है, फिफ्थ गियर में, ठीक। अब जैसे आपको कार को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको क्लच की जरूरत नहीं है, ठीक। अब स्लो करना है तो ब्रेक पे पैर रखिए हल्का, हाँ, धीरे से ब्रेक ले लिए, कार आपकी स्लो हो गई, ठीक है। तो हाईवे पे आपको कभी भी अगर कार कंट्रोल करना है तो आपको केवल ब्रेक से कार कंट्रोल करनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड हमारी ज़्यादा रहती है और बाकी गियर आपका स्पीड के हिसाब से आपको गियर लगाना है, ठीक। 0 से 10 वन गियर, 20 पे सेकेंड और 30 पे थर्ड, 40 पे फोर्थ, 50 पे फिफ्थ, है ना। और फिर यहाँ पे कंट्रोल करना है कार को, तो फिर यहाँ किस पे पैर रहेगा, ब्रेक पे, केवल ओनली ब्रेक, ठीक है। और अगर आपको लेन को चेंज करना होता है तो लेफ्ट राइट इंडिकेटर देके आप, और इंडिकेटर देने के बाद आपको रियर व्यू मिरर में, साइड मिरर में चारों तरफ देख के, ठीक है, तब उसके बाद आपको लेन चेंज करना होता है, ठीक। और कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करना है हाईवे पे, अपने कंट्रोल तक ही कार को चलानी है। अभी आपकी स्पीड 60 तक है, ठीक है, तो आपको कंट्रोल करना है कार, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक, ठीक। इसमें आपको क्लच की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और हाईवे पे ड्राइविंग करते समय जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि हमें रियर व्यू मिरर, साइड मिरर में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। और कभी भी अगर आप लेन को चेंज कर रहे हैं तो बिना इंडिकेटर के आप लेन को नहीं चेंज करेंगे, हाँ। स्पीड में कभी भी कार चलाओगे तो आपको क्या करना है, पहले ब्रेक से कार कंट्रोल करनी होती है ना। बस ये ध्यान में रखना है कि थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में और फिफ्थ गियर में आपको पहले ब्रेक लगाना है ना। जब स्पीड आपकी कम हो जाएगी तब आपको क्या करना है, तभी क्लच दबाना है, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, अगर वो स्पीड में जा रही है तो आप अपनी स्पीड थोड़ा कम कर लें, ठीक है, ताकि वो आराम से निकल जाए, ठीक। आगे समझ में, हाईवे पे कैसे ड्राइविंग करनी है, बस कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। और कभी भी अगर आप कार कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ब्रेक लगाना है, ठीक। जब स्पीड कम हो जाएगी तब आपको क्लच दबाना है, ठीक है। और कभी भी लेन को चेंज करेंगे तो हमेशा रियर व्यू मिरर, साइड मिरर
देख के, है ना, उसके बाद इंडिकेटर देख के आप लेन को चेंज करेंगे, ठीक है। अब जैसे स्पीड आपकी 60 है और कार को कंट्रोल करना है तो पहले आप ब्रेक लीजिए धीरे धीरे, कार आपकी स्लो हो गई। तो फ्रेंड, हम आशा करते हैं मेरा यह वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।